क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द क्रेडिट सेल्स एंड टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. अ फर्म सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस. बैलेंस इज 80%. डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ्स क्रेडिट एंड देयर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 1,25,000. एज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. सो देखो, अगर आज आपने सेल किया, आज 14 मार्च है, सो आज सेल करने के बाद आपका जो कस्टमर है डेटर, उसको आप 1.5 मंथ का क्रेडिट पीरियड देते हो, मतलब उसने अप्रैल एंड तक आपको पेमेंट करना चाहिए. एंड अप्रैल एंड तक वो पेमेंट करेगा तो वो रिसीवेबल नहीं दिखेगा, करें तो ये जो 31 मार्च को बैलेंस है डेटर्स का, डेटर्स बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021 ना, ओके 2021 कितना है? 1,25,000. ओके, मतलब ये सेल कितने महीने का है? 1,25,000. फाइंड आउट करो कितने महीने का रिसीवेबल है ये. हाँ, वन एंड हाफ मंथ का रिसीवेबल है ना ये. ये मिड ऑफ फेब्रुअरी को सेल किया आपने, 15 फेब को सेल करने के बाद उनको आप कितना टाइम दोगे? 31 मार्च तक क्लियर करो, मतलब ये 1.5 महीने का सेल है, सो 12 मंथ्स का कितना होगा? इफ दिस इज अ सेल ऑफ 1.5 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का बताओ. वन लैख 25,000 इंटू 12 अपॉन 10 लैख, बरोबर है ना? सो 10 लैख इज द सेल ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ एंटायर ईयर ना. क्रेडिट सेल कितना परसेंटेज है? अगर टोटल सेल 100 है तो क्रेडिट सेल्स 80 है. अगर क्रेडिट सेल्स 10 लाख है तो टोटल सेल्स कितने हैं? 100 अपॉन 80, 12,50,000. सो कैश सेल्स कितने हैं? 12,50,000. क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स, टोटल सेल्स का 20% करके चेक करो. टोटल सेल्स 12,50,000 इंटू 20% इज 2,50,000 एंड 12,50,000 का 80% इज 80. सो इसका एज्यूम सेल्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर 1.5 महीने में 1,25,000 का ही सेल होता है, इज यूनिफॉर्म. हर 1.5 महीने में 1,25,000 का ही सेल होता है. सो 1.5 महीने में इतना हुआ तो 12 मंथ्स में कितना हुआ? 10 लाख का सेल हुआ. अभी ये जो एजम्पशन है वो प्रैक्टिकली करेक्ट है क्या? सो एग्जैक्ट होता 1.5 महीना. ओके, आप मैंगो सेलर हो, सीजनल बिजनेस वाले, आपका ऐसा यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द ईयर या 3 महीने में ही पूरे साल का सेल होगा? 3 महीने में ही पूरे साल का सेल करना पड़ता है सीजनल, अच्छा है ना? 3 ही महीने काम करने, 9 महीने टाइम पास. पूरा इनकम 3 महीने में,
9 महीने में वो लोग अलग काम करते, ओके, टाइम पास नहीं करते. सो 10 लाख क्रेडिट सेल आ गया, एंड वो 80% 20% आपको दिया ही था. 80% क्रेडिट सेल है तो टोटल से 12,50,000, उसका 20% इज कैश सेल. अभी क्वेश्चन टू में मैं बताऊं क्या आपको ये ट्रायल चल रहे हैं आपके अभी तक, सो मैं नहीं हेल्प करूं? कहाँ तक, कौन से एडजस्टमेंट्स हो गए आपके? ये डेप्रिसिएशन वगैरह तो आ जाएगा आपको. पेमेंट फॉर ऑल द परचेसेस वेयर मेड बाय चेक ओनली, गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट कस्टमर्स. पे बाय चेक्स ओनली, ओके. तो ये तीन तो समझ में आ गए मुझे, 2, 3, 4. फर्स्ट इट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वेयर 20% हायर देन द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड प्रीवियस ईयर्स के सेल 5 लाख दिए, उसका 20% 1 लाख, मतलब 6 लाख सेल्स है करंट ईयर के, आउट ऑफ विच 20% सेल्स वॉज कैश सेल्स 1,20,000, एंड 4,80,000 क्रेडिट सेल. तो वो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को लिखे होंगे आपने, 2 सेल्स 4,80,000. फिफ्थ, मिस्टर इज सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ द ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ ₹2,000 टू द क्लर्क, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200, पर्सनल एक्सपेंस 5. सो ये मंथली है ना, सब इंटू 12 करें, एंड ये ड्रॉइंग्स है, बाकी दो P&L डेबिट. ये सब क्या किया, ये क्रेडिटर्स अकाउंट में, ये रेंट टू कैश, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री, ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक. एब्सकॉन्डेड मतलब पळून गेला, भाग गया वो. सो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश का, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट है. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है, बाय लॉस बाय थेफ्ट. उन्होंने कैश अकाउंट करने की जगह वर्टिकल किया है, आप अकाउंट कर सकते हो. दिस इज द कैश बैलेंस विच इज डिफाल्केटेड बाय द 23,600 घेऊन पळाला तो. हाँ, त्याच्यासाठी ते पण खूप येते. आता तो दुसरीकडे जॉईन होणार की नाही कॅशियर म्हणून, आणि मग तिथनं घेणार की नाही. छोटी छोटी केली चोरी की पकडलं जात नाही रे, 2 करोड घेऊन पळाला असतं सगळेच पोलीस मग. ओके, एंड उसके जो CA होंगे आपके जैसे, वो भी पीछे लग जाएंगे फिर कैशियर ढूंढने के लिए. सो CA होके करोगे ना ये आप, चोर पुलिस. सो अभी आप कर पाओगे आई थिंक, सेकेंड थर्ड भी ट्राई करो, नहीं आया तो कल हम करते, ठीक है? मैं आने तक करते रहो, क्योंकि इंक्वायरीज की वजह से मुझे नीचे टाइम जाता है मेरा, पेरेंट्स आ गए तो. ओके, सो कल ये कंप्लीट करके नेक्स्ट कौन सा डिसाइड हुआ है हमारा, NPO या बिल ऑफ एक्सचेंज? NPO, ठीक है. मैं मुझे पता है नमाज का,